दुनिया में कई स्पोर्ट्स हैं जैसे क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस वगैरह और इनके बारे में आप जानते हैं लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं इन स्पोर्ट्स को कुछ बेवकूफ कुछ अकलमंद या कुछ ज्यादा ही फारिग लोगों ने याद किया है असला मेरा नाम है निशान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में जो वाकई रियल में एग्जिस्ट करती है लेकिन शायद आपको उनके बारे में पता नहीं नंबर टेन क्वेडेज अब अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो तो शायद आप समझ जाए लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर नहीं देखी तो फिर आपको समझाना पड़ेगा हैरी पॉटर सीरीज के अंदर इस गेम के दोनों टीमों के अंदर सात सात प्लेयर्स होते हैं प्लेयर झाड़ू लेकर हवा में उड़ते हैं और उनको एक गेंद को तीन होल में से किसी एक के अंदर डालना होता है एक गोल से आपको 10 पॉइंट मिलते हैं और जो सबसे पहले 150 पॉइंट स्कोर करता है वो टीम जीत जाती है या फिर इससे भी आसान तरीका उस गोल्डन स्नीच को पकड़ ले और आप गेम उसी वक्त जीत जाएंगे लेकिन उसको पकड़ना आसान नहीं होता लेकिन चूंकि हैरी पॉटर सीरीज एक जादू या दुनिया है इसलिए इसका रियल में होना पॉसिबल नहीं लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि क्या जरूरत है जाड़ू लेके हवा में उड़ना जाड़ू लेके भागते हैं और इस गेम को खेलते हैं असली लाइफ में चूंकि जादू असल में नहीं होता और साइंसदारों ने भी कोई उड़ने वाले जाड़ू इन्वेंट नहीं किए तो इन बेचारों के पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं थे इस गेम में लिटरली आपको एक जाडू टांगों में लिए हुए भागना पड़ता है और बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह ही आपको गेंद को किसी तीन में से एक होल में डालना होता है इस गेम के बारे में मजीद जानने के लिए या तो फिल्म्स देख लें या फिर बुक्स पढ़ लें नंबर नाइन अंडर वाटर हॉकी जैसा के नाम से ही जाहिर है एक तरह की हॉकी है बस इसको पानी के अंदर खेला जाता है हर टीम के अंदर छे-छे खिलाड़ी होते हैं और इसकी रोजर फील्ड हॉकी या आइस हॉकी की तरह ही होते हैं अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है की अगर आप इस स्पोर्ट के फैन बनते हैं तो आपके लिए अफसोस की बात यह है की आप स्पोर्ट को देख ही नहीं सकते चूकी हॉकी पूल के अंदर खेली जाती है इसके लिए इसको देखना विरचुअली इम्पॉसिबल है स्पोर्ट्स को खेलने के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन स्पोर्ट्स को देखना एक अच्छा आइडिया नजर नहीं आता नंबर एटाबॉल ये खेल सबसे पहले स्पेन से शुरू हुआ और उसके बाद ही इसने बाकी दुनिया में ये हासिल कर ली अब इसको आप प्यार से जंपिंग पैड वॉलीबॉल भी कह सकते हैं क्योंकि इसके ज्यादातर रोल तो वॉलीबॉल से लिए गए हैं ना हर टीम के अंदर तीन या पांच प्लेयर होते हैं जिनको जंपिंग पैड पे चलांगे लगा के इस गेंद को हाथों या पाओ से मारना होता है और दूसरी टीम के एरिया में डालना होता है अब सुनने में तो ये स्पोर्ट काफी अजीब लगता होगा लेकिन उसको खेलने के लिए आपको काफी ज्यादा स्टेमिना चाहिए और अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो शायद इस खेल को खेलना या देखना इतना भी बुरा ना हो आफ्टरऑल जंपिंग पैड पर कूदना किसको नहीं पसंद नंबर सेवन वाइफ केरिय फिनलैंड से शुरू होने वाला ये खेल वाकई अजीब स्पोर्ट्स की लिस्ट में शामिल है अब जैसा के नाम से ही जाहिर है हसबेंड्स को अपनी वाइफ को उठाए लिए ऑफिकल से गुजरना पड़ता है और जो पहले इस खेल को मुकम्मल करता है वो जीत जाता है और इनमें से कुछ लोगों की बीवियाँ ऐसी होती हैं कि अगर शायद अपने हस्बैंड को वो उठा ले के लेके जाए तब उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे सबसे मज़े की बात यह है कि जो भी ये रेस जीतता है उसको अपनी बीवी के वज़न के बराबर बियर मिलती है फिनलैंड में लोगों को बियर पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और इनके लिए शायद इनसे बेहतर कोई नाम हो भी नहीं सकता तो ये स्पोर्ट्स जैसा भी है बस हम यही उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में ना डाल दें नंबर सिक्स डॉग सर्फिंग लोग सर्फिंग कर, कर के कर कर के इतने तक गए थे कि शायद उनको लगा की अब इसको अपने कुत्तों से करा लेना चाहिए और तभी तो स्पोर्ट्स का जन्म हुआ ये स्पोर्ट्स सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ और बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गया वेल सबसे पहले इसमें डॉगी को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सर्फिंग बोर्ड पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो सके स्पोर्ट्स के हर साल कैलिफोर्निया में टूर्नामेंट्स होते हैं हजारों की तादाद में लोग इसको देखने के लिए आते हैं और कई कंपिटिटर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है जब आप इस टूर्नामेंट को जीतते हैं तो आपको कोई नाम में मिलता क्या है नंबर पांच यूनि पोलो अगर आपको कोई ऐसे स्पोर्ट्स देखनी है जिससे आप स्माइल करते रहें तो शायद शायद आपको इस स्पोर्ट्स को ट्राई करना चाहिए स्माइल के साथ साथ आपके कह कह भी निकले पोलो के इस वर्जन के अंदर आपको एक पहिए वाली साइकिल पर बैठना होता है जो कि यकीन काफी अनबैलेंस होती है इस गेम के रूल्स बिल्कुल पोलो की तरह ही हैं। बस इसको खेलना पोलो से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है इस खेल के अंदर आपके हाथ पाव और पतीसी छूटने का बहुत ही ज्यादा खतरा हाँ होता है अगर आपको इनमें से अपनी कोई भी चीज प्यारी है तो आपको शायद स्पोर्ट्स से दूर ही रहना चाहिए नंबर फोर चेस बॉक्सिंग ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको दिमाग और ताकत दोनों से काम लेना पड़ता है जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है इसके अंदर चेस और बॉक्सिंग दोनों शामिल है इस गेम के अंदर ग्यारह राउंड होते हैं पांच बॉक्सिंग के और छह शतरंज के हर राउंड तीन मिनट का होता है अगर आप चेस या बॉक्सिंग दोनों में से किसी एक में भी जीत जाए तो आप मैच भी जीत जाते हैं लोग को यह खेल इसलिए पसंद है कि ना तो ये सिर्फ मार दाड़ के बारे में है और ना ही इसमें सिर्फ स्लो चेस मूवमेंट्स हैं इस गेम के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं और जिस गेम को जिसने भी बनाया है वो वाकई एक जीनियस इंसान था केबल टॉस ये स्कॉटलैंड का एक बहुत ही पुराना स्पोर्ट है इस गेम के अंदर इस लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाना होता है और इसको दूर फेंकना नहीं बल्कि इसको एक दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर कड़ा करना होता है इस गेम के अंदर शायद सबसे मजे की बात यह है कि प्लेयर्स को स्कर्ट्स पहननी पड़ती हैं। नंबर दो ब्लाइंड फुटबॉल अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसके अंदर ऐसे लोग जो देख सकते हैं आंखों पर पट्टी लगाते हैं और फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल के अंदर छोटे पत्थर या ऐसी कोई चीज रखी जाती है जिससे शोर हो और प्लेयर्स को पता चल सके कि बॉल किधर है लोग इस स्पोर्ट को इसलिए खेलते हैं ताकि वो मजदूर लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए इनकरेज कर सके ताकि मजदूर लोग अपने कंफर्ट जोन से निकले और कुछ यूनिक ट्राई करें ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट हो सकता है देखने के लिए या फिर ट्राई करने के लिए और इस वीडियो के एंड पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पहले के आइकन को भी दबा दें नंबर वन फेरेट लैगिंग फेरेट एक नेवले की तरह का जानवर है मकर दिखने में उसे काफी छोटा और कम खतरनाक होता है ये स्पोर्ट दुनिया के कई इलाकों में काफी सालों तक चलता आ रहा है असल में स्पोर्ट्स को मर्दानगी का टेस्ट भी कहते हैं आपको फेरेट को अपने पैंट के अंदर डालना होता है और नीचे से पैंट बांधनी होती है ताकि इसके निकलने का कोई रास्ता ना हो और जो आदमी ज्यादा देर तक अपनी पैंट्स में फेरेट को बर्दाश्त करता है वो जीत जाता है ये स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपको एक बात की दुआ करनी चाहिए की फेरेट आपको किसी गलत जगह ना काट ले और बस ये ताज का हमारा वीडियो उम्मीद आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीदी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह